तो यार जितने भी लोग कमेंट करते ना, तो यार सारे इस दोस्त के लिए ना एक रेड हार्ट छोड़ देना प्लीज यार। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सभी लोग। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा हेलो। तो मैं आ गया हूँ एक और नया व्लॉग लेके। तो आज काफी तेज धूप है, सामने की तरफ देख सकते हैं पूरा साफ मौसम है, हल्के फुल्के बादल हैं, और मैं हो गया हूँ ड्यूटी के लिए तैयार। तो आपने लास्ट वाला व्लॉग देखा होगा, तो मैंने उसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास किया नहीं था। तो आज मैं फिर से नया व्लॉग लेके आ गया हूँ, और काफ़ी तेज़ धूप है यार। कहाँ गया ये रहा, बहुत तेज़ धूप है, और 2 दिन से गर्मी भी होने लग गई है। और तो यहाँ पर दोनों आ गए हैं, रवि भाई आवाज़ लगा रहे, गाइस हम भी आ गए हैं पीछे पीछे। तो आज काफ़ी तेज़ धूप है यार, बहुत तेज़, मतलब बहुत तेज़ धूप है, गर्मी लग रही है ख़तरनाक, हाथ तो ऐसे जल रहे ना भाई, क्या ही बताऊँ। तो चलते हैं किचन में और फिर मिलते हैं आपको सीधा किचन में। सर हम आ चुके हैं किचन में, और अभी काम वाम चालू है, उधर कटिंग चालू है, और इधर मैं अदरक कीमा कर रहा हूँ। तो कीमा करने के बाद मिलते हैं, पूरा जिम वाला फील आ जाता है यार कीमा करने के बाद, तो पूरा जिम वाला फील आ जाता है, मज़ा आता है लेकिन कीमा करने में। तो कीमा करने के बाद मिलते हैं, और अभी ऐसा है फिर दिखाते हैं आपको फिर कीमा होने के बाद। तो अदरक तो चॉप कर लिया है अभी, और दिखाते हैं अदरक कीमा करने के बाद कैसा रहता है। तो अदरक कीमा करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल बारीक, ठीक है, ताकि खाने में सिर्फ टेस्ट आए, मुँह पे लगे ना। और यहाँ पर हो रहा है सूप, राइस कटिंग हो रहा है। तो अभी चलते हैं हम, यहाँ पर राइस कटिंग हो रही है, अदरक तो हो गया है, और उधर टमाटर कटिंग हो रही है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, कुछ और करके आते तब तक। सो यार मैं अभी प्याज काट रहा था, तो इतना काट दिया है, कम से कम हो गया होगा 1 किलो से ऊपर ही, 1.5 किलो से ऊपर ही हो गया होगा, और इतना बाकी है। तो इसको काटने के बाद मिलते हैं, तो थोड़ा देर में मिलते हैं आपको। यहाँ पर चॉप मसाला तैयार हो रहा है, जो मैंने अभी कितना था, 1.5 से 2 किलो प्याज था शायद, से उससे ज़्यादा था, जो भी था जितना प्याज काटा था उससे चॉप मसाला तैयार हो रहा है। यहाँ पर दाल खिचड़ी है, और यहाँ पर राइस है शेजवान राइस के लिए, और वो मंचूरियन है उधर, उधर वाले में मंचूरियन डिश रखी हुई है। तो मिलते हैं थोड़ा देर में, और उधर भी रोटियां बन रही हैं, अभी काम बहुत है, बहुत सारे ऑर्डर आए हुए हैं, मिलते हैं थोड़ा देर में। तो ये हो गया शेजवान राइस तैयार, क्या मस्त दिख रहा है, उधर कटिंग वगैरह रखी है, क्यूटी है सारी, और इधर शेजवान राइस क्या मस्त लग रहा है यार, चमकता धमकता बिल्कुल। तो अभी मंचूरियन तैयार होने चली गई हैं, देख सकते हैं मसाला पहले ही तैयार कर दिया था, अभी मंचूरियन तैयार करा जा रहा है। ये डाल दिया कांदा पत्ता, ये देखो भाई क्या मजे है। तो यहाँ पर मंचूरियन भी तैयार, और हम इसमें डाल देते हैं कांदा पत्ता, और इसमें डाल देते हैं हरा धनिया, कैसा ठीक। तो मंचूरियन और शेजवान राइस तो हो गया तैयार, और अभी बाकी ऑर्डर्स भी हैं, तो मिलते हैं थोड़ा देर में। तो अभी काम ही कर रहे थे, और यहाँ पर तैयार हो चुका है पनीर चिल्ली, देखो क्या मस्त लजीज लगता है यार। इसके ऊपर हम डाल देते हैं कांदा पत्ता, ठीक है, और 4 डिश तैयार हो चुकी हैं पनीर चिल्ली। मैं काम करता था तो बनाते टाइम नहीं दिखा पाया, अभी लास्ट बन के तैयार हो गया तब दिखा रहा हूँ। तो ये है पनीर चिल्ली, और आज पहले भी कुछ डिशेज देखी थी, और आगे भी कुछ और डिशेज दिखाऊंगा, दिखाते रहूँगा डेली व्लॉग में, तो बने रहिए व्लॉग में, और थोड़ी देर में मिलता हूँ आपको जल्दी। तो ये हो गया पनीर तैयार, और वहाँ पर रोटी, और ये आ चुका है इसके साथ दाल, और उसमें दाल तड़का है ना, ये इसमें तड़का मरेगा, अभी देखना क्या मस्त चीज़ लगता है तड़का है मार के यार। देखो इसको मैं दिखाता हूँ तड़का पे, हाँ ये चेक करो कितना ज़बरदस्त लग रहा है तड़का मार के ऊपर से। तो ये हो चुका है तैयार काजू हंडी, और वनीला जो आपकी डिश है लबाबदार जो है, तो अभी तैयार होगा पनीर लबाबदार, पहले काजू हंडी था। मैं तो अभी यहाँ पर हो चुका है तैयार पनीर लबाबदार, और इसमें दम आलू है, या आलू में पनीर डाल के और चीज़ डाल के बॉईल करा गया है, सॉरी फ्राई करा गया है,
और यहाँ पर पनीर लबादा तैयार हो गया है और इधर तैयार हो रहा है दम आलू का मसाला और आलू उधर रखा हुआ है और वहाँ पर रोटियाँ बन रही हैं दबा दब और मैं यहाँ पर मस्ती कर रहा हूँ। ये डिश दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है? ये डिश देखो आप, चेक करो। तो ये देखो दम आलू। ये दम आलू तैयार हो गया है। क्या था ये? बटर नाम था ना? ये दम आलू हो गया और पनीर लबाबदार मस्त। मैं अभी नए नए डिशेज बनाते जा रहा हूँ, अभी लाते जाऊँगा जितने डिशेज हैं। और बने रहिए वो लोग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है? तो यार अभी 5 बज गए हैं और हम आ गए नीचे, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद जाएंगे 7 बजे ऊपर। बस मैं कल की तरह सो ना जाऊँ 8:30 बजे तक, तो आज थोड़ा सा कम रेस्ट करेंगे और जाते अभी सो जाते हैं, फिर 7 बजे वापस से ड्यूटी चलेंगे। तो मिलते हैं आपको 7 बजे। तो यार अभी 7 बजने वाले हैं और मैं ड्यूटी को जाने के लिए तैयार हो गया हूँ और पंकज दा और रवि अभी दुकान गए हुए हैं, ठीक है? तो पंकज दा और रवि अभी दुकान गए हुए हैं और मैं यहाँ पे आया हूँ थोड़ा सा व्लॉग शूट करने को। तो यार मैं एक दोस्त को थैंक यू कहना चाहूँगा यार, क्योंकि यार तूने बहुत साथ दिया है मेरे। जो बहुत ख़ास दोस्त थे ना, जो बहुत ख़ास दोस्त थे, उनने साथ छोड़ा है, उनने साथ छोड़ा है, तूने काफ़ी साथ दिया है यार। तो यार जितने भी लोग कमेंट करते ना, तो यार सारे इस दोस्त के लिए ना एक रेड हार्ट छोड़ देना प्लीज़ यार, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनने ऐसे टाइम पे साथ छोड़ा ना यार, क्या ही बताऊँ। तो इस दोस्त के लिए एक लाइक और एक हार्ट तो बनता है गाइस। मेरे जो कुछ रिश्तेदार हैं ना, बार बार कहते रहते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है इसमें, कुछ है नहीं है, उनको क्या पता यार। जिसके पास है ना इसके थ्रू, उसको पता है। अभी मेरे को कुछ बोलने को हो नहीं रहा है क्योंकि कुछ मतलब मेरी मम्मी को बार बार कहते हैं कि कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं होगा। मम्मी कहती बार बार, जिधर भी जा रहा है यूट्यूब का भूत सवार है। एक जगह अच्छे से मन लगा, अभी पता नहीं किसी ने क्या कह दिया, परसों भी मम्मी ऐसा ही कुछ कह रही थी, तो मैंने कहा जाने दो यार, रिश्तेदार होते ही ऐसे हैं। मैं कहा रिश्तेदार होते ही ऐसे हैं, अब अपनों की खुशी नहीं देखी जाती उनसे, मतलब सक्सेस देखी नहीं जाती उनसे। तो मैं आज उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, काफ़ी कुछ डिशेज दिखाए थे तो अभी मैं उन्हीं के लिए यही शूट कर रहा हूँ। सुबह से था मन में मेरे कि मैं इस दोस्त को थैंक यू कहूँ, क्योंकि जब भी मैं मतलब ऐसे उदास हुआ हूँ या सैड हुआ हूँ या मेरे साथ कुछ भी हुआ है ना, ये दोस्त ने मेरा साथ दिया है। लास्ट 2 ईयर में देखा हूँ मैं कि मतलब कौन कितना बदलता है, कौन कितना नहीं बदलता है। तो यार थैंक यू दोस्त, थैंक यू यार। हर टाइम कहता है कोई साथ रहे या ना रहे, लेकिन मैं साथ हूँ हमेशा। दुनिया तो है ही मतलबी कि मतलब दूसरे की सक्सेस तो किसी से देखी नहीं जाती ना। तो थैंक यू यार दोस्त। आज के वीडियो में इतना ही था, रात की डिशेज तो अभी नहीं दिखा पाऊँगा मैं, काम भी ज़्यादा है नहीं शायद से कुछ। तो आज के लिए इतना ही गाइस, यहाँ तक देख लिए ना तो शेयर करो यार, #रिश्तेदार करो और इस दोस्त के लिए ना एक रेड हार्ट छोड़ देना यार, दिल से रेड हार्ट छोड़ देना, दिल से धन्यवाद यार। तो आपने यहाँ तक वीडियो देख लिए ना, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो यार, जितना हो सके ना शेयर करो। अभी तो डेली व्लॉग्स चालू होंगे, कभी कभी ऐसा रहता ना कि व्लॉग शूट करने का टाइम नहीं रहता किचन में, मतलब कभी कभी काम ज़्यादा हो जाता है तो उतना व्लॉग शूट नहीं कर पाता हूँ। लास्ट वाला व्लॉग भी ऐसा ही कुछ था। तो अभी ट्रेवलिंग व्लॉग भी लाऊँगा मैं,
इधर मंदिर वगैरह भी हैं, फोर्ट वगैरह भी हैं, तो पुणे एक्सप्लोर करूँगा यार। अब काफ़ी टाइम रुकना है, लेकिन काफ़ी टाइम रुकना है तो पुणे एक्सप्लोर करूँगा। और कुछ अलग प्लान कर रहा हूँ, कुछ अलग नया प्लान कर रहा हूँ घूमने का वगैरह वगैरह, तो बने रहिए आप। मैं नए नए व्लॉग लाते रहूँगा और आप भी देखिएगा, ठीक है। तो अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं यार आज, क्योंकि अभी मैं जाऊँगा और काम करूँगा, ठीक, क्योंकि इतना ही है आज के व्लॉग में। तो यहाँ तक व्लॉग देख लिए तो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लाइक करो, शेयर करो यार, क्या नए नए व्लॉग आते रहेंगे। अभी पूना है ना, जो उसको एक्सप्लोर करना है, मैं देखा था काफ़ी जगह है इधर घूमने को, दिखाने को, जो मतलब लोग नहीं घूम सकते हैं उनको, मतलब हम YouTube के थ्रू दिखा सकते हैं। काफ़ी लोगों ने दिखा दिया होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा हम दिखाएंगे, एक एक जगह दिखाएंगे यार, जितनी जगह है ना घूमने की एक एक जगह दिखाएंगे। अभी इधर नई नई जगह देखी थी मैंने, मतलब मेरे पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है कुछ, एक फोर्ट है, एक मंदिर है इधर, डिम्बे डैम तो दिखाई दिया है। तो आज के व्लॉग में इतना ही, और तब तक के लिए ये व्लॉग एंजॉय करो, जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइज़।